The research is not always limited to human subject. In certain cases we need to see that animals could also be involved and they could be the part of the research as well. So here we are looking into the human care and use of animal in research because they both are the very important aspects to understand. Psychologists trained and experienced in care of laboratory animals supervise all procedures involving animals and are responsible for ensuring appropriate consideration of their comfort health and humane treatment now you need to see that why we use animal in certain researches you have been uh, getting information about different kind of experiments the classical and traditional experiments of maybe conditioning maybe learning maybe punishment and many other techniques of behavior therapy and ओवरऑल इन जनरल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारे ट्रडिशनल एक्सपेरिमेंट्स पिजन्स पर होते रहे हैं कंडिशनिंग के हवाले से कैट्स पर होते रहे हैं डॉग पे होते रहे हैं पावलव का क्लासिकल कंडिशनिंग का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आर वेल अवेयर ऑफ दर्ट एक्सपेरिमेंट इसी तरह हम पिजन्स को ले लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रैट्स को ले लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में और हम उनके ऊपर डिफरेंट uh, ना सिर्फ हम ड्रग थेरेपी करते हैं बल्कि हम उनके ऊपर लर्निंग के भी डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो हम देखते हैं कि हाउ आर दे कंडीशन हाउ आर दे काउंटर कंडीशन एंड थिंग्स लाइक दैट सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कीप एनिमल्स और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन कैप्टिविटी जो कि उनकी जैनल और नेचुरल जो उनकी लाइफ है उससे हट कर एक सनारी होता है सो इट इज़ वेरी मच एथिकल एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ अ साइकोलॉजिस्ट टू प्रोवाइड दैम ह्यूमेन ट्रीटमेंट उनके साथ अच्छा सलूक करना जिसमें उनको टाइम के ऊपर उनकी जो नरिशमेंट है उनकी जो डाइट है उनकी जो केयर है उनकी हेल्थ है प्रॉपर कोई वैक्सीनेशनस हैं इन चीज़ों की अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो उनको टाइम पे दी जाएँ उनको डाइट टाइम पर दी जाए और इस तरह के सारे फैक्टर्स जन का फुली लैब में ख्याल रखा जाए और उसके लिए एक प्रॉपर सुपरवाइज़र या अटेंडेंट हो इन सब चीजों का पता हो कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट और क्या प्रोसीजर्स हमने किस टाइम पर यूज करने हैं साइकोलॉजिस्ट एक्वायर केयर फॉर यूज एंड डिस्पोज ऑफ एनिमल्स इन कंप्लाइंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड करंट फेडरल स्टेट लोकल लॉज एंड रेगुलेशन नाउ इन ईच कंट्री इन ईच स्टेट्स देर आर सर्टन लॉज विच आर बींग मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स आ, हम कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि हम एनिमल की जो राइट्स हैं उनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं मे बी इन अंडर डिवलप कंट्रीज़ वहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज़ नहीं होते हैं एनिमल की वेलफेयर्स के लिए लेकिन होते ज़रूर हैं वहाँ पर शायद एनिमल्स को जो यूज़ करना रिसर्च में वो डिफरेंटली मीनिंग रखता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स जहाँ पर बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं जहाँ पर डॉग्स के भी बहुत ज़्यादा राइट्स हैं जहाँ पर पेट्स के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं ओवरऑल वहाँ पर शायद एक डॉग को किसी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना और आ, उसको किसी तरह से डिस्कम्फर्ट देना या उसको गॉड फॉरबिट डिस्पोज करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि शायद किसी दूसरे सिनेरियो में बट स्टिल द ओवरऑल एथिक्स द लॉज द ह्यूमैन ट्रीटमेंट एंड द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग द एथिकल प्रोसीजर्स इन डिस्पोजल ऑफ द एनिमल मस्ट बी टेकन केयर ऑफ हम अपनी रिसर्च में बिसाइड्स हैविंग द स्ट्रेंडन लॉज और नॉट एथिकली uh, बाउंड होते हैं कि हम एक एनिमल को uh, हर स्टेज पर बेटरली टेक केयर करें और उसको डिस्पोज भी एक लॉ और एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करें साइकोलॉजिस्ट इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स अंडर सुपरविजन हु आर यूजिंग एनिमल्स हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन इन रिसर्च मैथड्स केयर मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग ऑफ दीज बी यूज टू द एक्सटेंड अप्रोप्रिएट टू देयर रोल लाइक like उस लैब में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं अगर वो किसी भी स्टेज पे काम करें चाहे वो फीड प्रोवाइड करें चाहे वो एनिमल को क्लीन करें हैं चाहे वो उनकी ओवरऑल uh, सेफ्टी और केयर के लिए डिप्यूट किए गए हैं या वो एक्सपेरिमेंट का कोई पार्ट है जिसमें वो uh, उस प्रोसीजर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब सिचुएशंस के अंदर दे मस्ट बी फुली ट्रेंड बिकॉज अगर वो ट्रेन नहीं है तो फिर वो ह्यूमन केयर नहीं कर सकते सैकोलॉजिस्ट मेक रिजनेबल एफर्ट टू मिनिमाइज द डिस्कम्फ़र्ट इन्फेक्शन एल्स एंड पेन ऑफ एनिमल सब्जेक्ट्स लेट से अगर हम कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी एनिमल पर जिसमें हम आ, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे हमें हंगरी रखना है और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट हम उसके किसी स्पेसिफिक बिहेवियर लेट से हम लर्निंग पे देख रहे हैं या कंडीशनिंग पे देख रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको हम कोई बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट न दें उसको हम बहुत इनह्यूमेनली ट्रीट ट्रीट ना करें तो ये चीज़ें जो हैं जितनी पॉसिबली हम रिस्क को हेल्थ इश्यूज को और इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं लाइक अगर हम पेन स्टडीज़ कर रहे हैं कि पेन थ्रेश देख रहे हैं और पेन थ्रेश में हमने उस एनिमल को किसी किस्म का कोई पेन देखना है और फिर पेन थ्रेश को स्टडी करना है तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को केयरफुली देखा जाए कि सबसे बेस्ट पॉसिबल वे उसको मिनिमम तरीके से करने का क्या हो सकता है तो बेसिकली दर्पज ऑफ सेंग दिस इज डैट कि हम कोई ब्रूटल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं करेंगे जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा uh, उस एनिमल को डिस्ट्रेस या बहुत ज़्यादा इंटेंशनल पेन प्रोवाइड करें प्रोसीजर सब्जेक्टिव एनिमल्स टू पेन स्ट्रेस एंड प्राइवेशन इज़ यूज ओनली वेन एंड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इज नॉट अवेलेबल एंड गोल्ड इज जस्टिफाइड बाई इट्स पॉसिबल साइंटिफिक एजुकेशनल एंड अप्लाइड वैल्यू और वो कैसे जस्टिफाई होगा कि वो एक ऐसे अनअवॉइडेबल रिसर्च हो जो हम डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पे नहीं कर सकते सो so, इसलिए हम उसको मंकीस पे कर रहे हैं या हम उसको डॉग्स पे कर रहे हैं या हम उसको रैट्स को वो मेडिसिन दे रहे हैं और हम उसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं अदरवाइज बग़ैर हम किसी रीजन के जस्टिफिकेशन के हम रेंडमली एनिमल्स को इस तरीके से पेन इनफेक्ट नहीं कर सकते उन्हें किसी प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बना सकते रादर बीग फुली जस्टिफाइड Surgical procedures are performed under appropriate anesthesia using techniques to avoid infection and minimize pain during and after surgery. अगर हम कोई surgical procedures कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत जरूरी है कि proper anesthesia के अंदर and proper environment में जहाँ पर एक medical care मौजूद हो, वहाँ पर हम आ, उसके किसी भी आधे मिल के parts को अगर study कर रहे हैं, तो हम उसको बड़े तरीके के साथ जो है, वो justify करेंगे। और medical procedures में अगर हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए कोई सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ रही है और उसको उसका इफ़ेक्ट देखना है कि वो बाद में हम कैसे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे कर सकते हैं तो वो ज़रूरी तो बहुत है लेकिन उसके लिए एक्सपर्टीज होना प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर उसको रिहेबिलिटेट एनिमल को करने के वेज़ जो हैं वो अवेलेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है वेन इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट द एनिमल्स लाइफ मे बी टर्मिनेटेड साइकोलॉजिस्ट प्रोसीड रेपिडली विद एन एफर्ट टू मिनिमाइज पेन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्ट प्रोसीजर्स अगर कोई ऐसी रिसर्च है जिसके एंड के ऊपर वी हैव टू सी दैट द लाइफ ऑफ द एनिमल में हैव टू बी टर्मिनेटेड तो क्या किया जाएगा तो बहुत कोई आसान बेहतर और बहुत ज़्यादा कोई ऑथोराइज जो वे है सिर्फ वो यूज़ किया जाएगा तो एनिमल की जो किलिंग है उसमें किसी किस्म की कोई ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिले नहीं होना चाहिए इफ वी सी दैट ही दैट एनिमल इज़ इन पेन तो उसको इमिजिएटली परफॉर्म करना साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू सी दैट वी आर नॉट ओनली कंसर्न इन एथिक्स अबाउट द प्रोसीजर्स विच आर बींग डन विद द ह्यूमन बींगस बट वी आर ऑल्सो कंसर्न एज साइकोलॉजिस्ट टू सी दैट द प्रॉपर ह्यूमेन केयर एंड द ट्रीटमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल एनिमल्स बिकॉज दे आर इक्वली You know, justified to, to take better treatment, to take better rehabilitation as of general human beings.